तो कैसे हो गाइस, बात करेंगे टेक कट एंड एपिसोड 61। बहुत कमाल की न्यूज़ है गाइस, स्पेशली टेक कट एंड एपिसोड बहुत कमाल का जा रहा है। आपका रिस्पॉन्स और स्पेशली पोल तो बहुत कमाल का है। आज के पोल की बात की जाए दोस्तों, आपका फेवरेट लैपटॉप कौन सा है? तो यहाँ पर मैंने फेवरेट लैपटॉप की गाइस आपसे बात की थी कि आपका फेवरेट लैपटॉप कौन सा, तो मुझे जो रिजल्ट मिला है 45% के, भाई हम तो लैपटॉप यूज़ ही नहीं करते, हम तो यूज़ करते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर। 30% लोग HP के यूज़र हैं, 10% लोग मैकबुक यूज़र हैं, 15% यहाँ पर डेल यूज़र हैं, डेल के यूज़र बहुत कम है, और 0% एसर के हैं। एसर तो बिल्कुल ही 0 रुपये आ चुका है। अब ये अपडेट होगा कंटेंट तो मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा। देखते हैं न्यूज़ आज की क्या है। कमाल की न्यूज़ पहली बार आए तो प्लीज़ मेक श्योर लाइक करना, और स्पेशली हमारी फैमिली का हिस्सा लाजमी बनना, सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस करना, दैट्स इट, और आपने कुछ नहीं करना। गाइस यहाँ पर पहली न्यूज़ की बात की जाए, सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 बहुत टाइम से वेट किया जा रहा है, फाइनली 5 अगस्त को इंडिया के अंदर लॉन्च किया जा रहा है। 28 से 30 अगस्त के अंदर उम्मीद है कि पाकिस्तान के अंदर आ जाएगा। जो रूमर लीक बताई जा रही हैं वो उसके अंदर तो आपको सितंबर की 5 सितंबर को मिलेगा, लेकिन उम्मीद है कि 28 तक आ जाएगा मेरे ख्याल से। उसके साथ आज की लीक के अंदर सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 के अंदर आपको जो लीक मिल रही है वो ये है कि इसके अंदर एक्सोनोस 990 का जो चिपसेट है वो इम्प्रूव वर्जन डाला जा रहा है। अब इम्प्रूव वर्जन से क्या मुराद है, इसमें कोई एग्जैक्ट मतलब कोई चीज़ बताई नहीं गई, लेकिन 990 को इम्प्रूव किया जा रहा है ये तो चीज़ सामने आई कि सैमसंग का स्पेशली एक्सोनोस जो चिपसेट है 990 वो अपग्रेडेड वर्जन आने वाला है सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 के अंदर। लेट्स सी जो भी उसकी लीक होगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। नेक्स्ट न्यूज़ की गाइस यहाँ पर बात की जाए, सैमसंग गैलेक्सी जी फोल्ड 2 फर्स्ट लुक यहाँ पर सामने आ चुकी है। यहाँ पर खुला हुआ है और यहाँ पर बिल्कुल स्टार्ट के ऊपर जैसे सैमसंग गैलेक्सी आता है, तो यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी जी फोल्ड 2 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये मेरे ख्याल से वही है, इसके अंदर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इसको एडिट किया गया है मे बी, लेकिन ये अभी फर्स्ट लुक है। फर्स्ट लुक के अंदर मोस्टली रूमर्स लीक्स भी होती हैं, मतलब कुछ अफवाहें भी इसके अंदर आ जाती हैं, कुछ ऐसी एडिट भी कर लेते हैं, लेकिन अभी तो ये फर्स्ट लुक है, इसको ही मान के चलना पड़ेगा। जो भी होगा नेक्स्ट वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता रहूँगा। इसके साथ साथ गाइस आप लोगों को बताता चलूँ, सैमसंग गैलेक्सी जी फोल्ड का एक और एडिशन सामने आया जिसके अंदर थॉम ब्रोनी एडिशन है सैमसंग गैलेक्सी जी फोल्ड 2 का, लेकिन इसकी जो प्राइस है मेरे ख्याल से आपको दोनों गुर्दे बेचने पड़ेंगे, दोनों गुर्दे पिपड़े भर के और भी कुछ बेचना पड़ जाएगा। 2 लाख से ऊपर प्राइस रख दी गई है ये इंडिया के अंदर, पाकिस्तान में समझ लो कि 5 लाख से ऊपर प्राइस जाएगी थॉम ब्रोनी एडिशन की। छोड़ो पर आए, इसके ऊपर आईफोन आ रहा है, आईफोन लेना है, जो अपग्रेडेड वर्जन आ रहा है वो इसे बहुत बेस्ट है। नेक्स्ट न्यूज़ की गई यहाँ पर बात की जाए, हुआवे का IoT मतलब एक इवेंट जो होता है हर ब्रांड की तरफ से, वो कल हुआवे की तरफ से किया जा रहा है, जिसके अंदर हुआवे कुछ अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करेगा, जिसके अंदर लैपटॉप भी हैं, पैड्स भी हैं, और इसके अलावा कुछ वॉचेस भी हैं। मोबाइल फ़ोन का तो यहाँ पर कोई देखने को सीन नहीं है, लेकिन लैपटॉप्स और पैड का काफ़ी देर से वेट किया जा रहा है, और ये फाइनली कल लॉन्च इवेंट के अंदर इनके फाइनली लीक कर दिया जाएगा। जो भी डिटेल होगी डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगा आपको साथ लाइव इवेंट शेयर कर दूँ, नहीं तो आपको कल की न्यूज़ के अंदर पता चल जाएगा भाई क्या क्या चीज़ शेयर की है, उसकी क्या क्या स्पेक्स हैं, वो कल आप देख लो। गाइज यहाँ पर ओप्पो का एक पेटेंट सामने आया है, बहुत यूनिक स्टाइल बना दिया गया है ओप्पो का नया पेटेंट जो यहाँ पर देखने को आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपको सर्कल कैमरा एक नया बिल्कुल डिज़ाइन है, ऐसे जैसे लॉक होता है उस टाइप का आपको पॉपअप कैमरा देखने मिलेगा, मतलब एक साइड से निकलेगा ऐसे रेनबो की तरह, और कमाल है कुछ मतलब नया कर रहा है ओप्पो, इंटरेस्टिंग है, न्यू पेटेंट है, अभी इसकी स्पेक्स नहीं है, कुछ डिज़ाइन सामने आया है, जो भी डिटेल होगी मैं आप लोगों से शेयर करूँगा, लेकिन ये चीज़ थोड़ी सी कमाल और मज़े की है कि भाई इसके अंदर आपको नया रेनबो कैमरा देखने को मिल रहा है, यही कमाल है। नेक्स्ट न्यूज़ की गाइस यहाँ पर बात की जाए, हाई सेंसेस की तरफ से QLED TV लॉन्च की जा रही है, आज से कुछ 7-8 दिन बाद, मतलब 6 अगस्त की डेट है, इंडिया के अंदर लॉन्च की जाएगी, चाइना के अंदर ऑलरेडी है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ सोचने वाली है कि इंडिया प्रॉपरली हर चीज़ को बैन करता जा रहा है चाइना की, तो ये अब कैसे लॉन्च होगी, एक्सेप्ट किया जाएगा इंडिया की तरफ से या फिर इसको नहीं किया जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान में भी आएगी हाई सेंसेस QLED TV। इसकी थोड़ी सी प्राइसेस बाकी जो अगर सैमसंग गैलेक्सी की बात करें उसके बाद TCL की बात करें, इनकी प्राइसेस से निस्बत इनकी प्राइसेस बहुत कम है, और ये वही आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड करी हैं। मेरे ख्याल से क्वालिटी में थोड़ा सा फ़र्क होगा, लेकिन अभी तक तो ये सामने नहीं आई। QLED TV है,
8K तक आपको सपोर्ट दे रही है, रेजोल्यूशन आपको वो सेम मिल रही है, मे भी कहीं ना कहीं फ़र्क होगा जो आपको प्राइसेस कम देखने मिल रही हैं। गाइज़ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, CES 2020 का इवेंट जो होना था वो पेंडिंग में जा चुका है, लेकिन फाइनली गाइज़ डेट आ चुकी है CES 2021 की, 6 जन और से 6 जन से 9 जन तक, मतलब जनवरी तक होगी। और गाइज यहाँ पे बताता चलूँ, अमेरिका के अंदर ये फंक्शन होता है, आपका भाई अभी जा नहीं सकता लेकिन कोशिश करेगा आपके लिए लाइव इवेंट लेके आए, इंशाल्लाह जल्दी जाएंगे यार, हम भी जाएंगे यार, दुआ किया करो भाई के लिए। और गाइज यहाँ पे बताता चलूँ, CES 2020 का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लाजमी आप देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर नए इनोवेशन, नए स्टार्टअप्स और बड़े कमाल के स्पेशली जो कंसेप्ट चीज़ें ना वो इसके अंदर लॉन्च की जाती हैं। जैसे वन प्लस का कंसेप्ट फ़ोन आया था, मैक्लारेन फ़ोन आया था, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे अगर बात करूं और भी बहुत सारी कार्स स्पेशली, जैसे मर्सिडीज़ का एक आया था कंसेप्ट, ठीक है, अवतार, ये सारी की सारी CES 2020 के अंदर ऐसी चीज़ें लॉन्च की जाती हैं। तो डेफिनेटली आप लाजमी उसको चेकआउट करना, मैं कोशिश करूँगा जब भी होगा, वैसे अभी बहुत टाइम है, मैं अक्सर लाइव शेयर करूँगा, हम जाएंगे भी कवरेज करने के लिए कभी ना कभी, तो दुआ लाजमी कीजिएगा। सो गाइज यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए आइको की तरफ से, आइको 3 प्रो, गाइज आइको 3 प्रो के अंदर फाइनली अनाउंस कर दिया गया कि भाई 120 वोल्ट चार्जर आ रहा है। आइको लड़ रहा था, वीवो लड़ रहा था, ओप्पो लड़ रहा था, भाई हम पहले लॉन्च करेंगे 120 125 लॉन्च करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आइको का जो आइको 3 आ रहा है उसके अंदर आपको 65 वोल्ट देखने को मिलेगा, आइको 3 प्रो के अंदर आपको 120 वोल्ट चार्जर देखने को मिलेगा। गाइज ये प्रो वर्जन के अंदर सिर्फ आ रहा है आइको के, और लाइट वर्जन के अंदर नहीं आ रहा। सो फाइनली आइको ने अनाउंस कर दिया है। तो गाइज ये कुछ कमाल की अपडेट्स थी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेक श्योर लाइक कर दो, और डेफिनेटली पहली बार आए तो यार सब्सक्राइब करना। और गाइज आप लोगों को बताता चलूँ एक खास चीज़, क्योंकि ईद आने वाली है, एक दिन रह गया है, और आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ गाइज स्पेशली कुछ ईद स्पेशल एक वीडियो, क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर इस वक्त टॉप ट्रेंड पे जो वीडियो चल रही है वो है व्हाट्सअप की, और आपकी रिक्वेस्ट और फाइनली जो हमारे पास सब्सक्राइबर कम्युनिटी है ना वो 70% उसी वीडियो से आई है। तो स्पेशली ईद के ऊपर आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो लेके आने वाला हूँ, तो डेफिनेटली पहली बार आओ तो सब्सक्राइब लाजमी कर लेना, बेल को लाजमी प्रेस करना, यहाँ पर मिल जाएगा गोल गोल, सिंपली प्रेस करना। और स्पेशली गाइज डेली न्यूज़ चाहिए तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा बेल को लाजमी प्रेस करके कर देना, दैट्स इसके अलावा कुछ नहीं करना, और भाई को दुआओं में याद रखना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।